हेलो फ्रेंड्स, एक क्लास रे हमें फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बा विधानसभा मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 टी क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। आपण जदि लोकसभा रो राज्यसभा रो एवं विधानसभा परिषद रो समस्त क्वेश्चन को डिस्कशन करा जाइछि ताहा देखि नहांती ताले आपण प्लेलिस्ट को जे आपण देखि परबे इंडियन पॉलिटी रो एवं आपण हिस्ट्री एवं ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एवं अन्य समस्त सब्जेक्ट रो मध्ये आपण एही बोली एमसीक्यू क्वेश्चन देखिबा पय चाहंती ताले आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जाई आपण एहिबली समस्त क्लास को देखि पारिबे। तेणु एही क्लास रे आमे फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बा विधानसभा रो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 टी एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करबा आरंभ करबा क्लास को। व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर। आम कॉन्स्टिट्यूशन रो को पार्ट रे स्टेट लेजिस्लेचर विषय रे लेखा हिछि। यार सटीक आंसर होछि पार्ट वी आई। पार्ट वी आई रे आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो स्टेट लेजिस्लेचर विषय रे लिखाई। पार्ट थर्ड रे फंडामेंटल राइट विषय लिखाई। पार्ट आई भी रे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विषय लिखाई। पार्ट भी रे आमर यूनियन विषय बा सेंटर विषय लिखाई। तेणु यार सठिक आंसर हो पार्ट भी आई रे आमर स्टेट लेजिस्लेचर विषय लिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मेम्बर्स ऑफ विधानसभा इज नोन एज। विधानसभा रो मेम्बर्स मानकू कौन कहुए। विधानसभा रो मेम्बर्स को कहुए MLA कहुए। एवं एमपी क्या कहुए। राज्यसभा मेम्बर्स मानक एमपी कहुए। लोकसभा मेम्बर्स मानक एमपी कहुए। MLC क्या कहुए। लेजिस्लेटिव काउंसिल रो बा विधान परिषद रो मेम्बर्स मानक MLC कहुए। तेणु यार सटीक आंसर हे लेजिस्लेटिव असेंबली बा विधानसभा मेम्बर्स मानक MLA कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। आम कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल रे लेजिस्लेटिव असेंबली विषय रे लिखा जाय छी। यार सटीक आंसर होची 170 आर्टिकल रे लेजिस्लेटिव असेंबली विषय रे लिखा जाय छी। एवं राज्यसभा विषय रे आर्टिकल 80 रे 80 आर्टिकल रे लिखा जाय छी। एवं लोकसभा विषय रे आर्टिकल 81 रे लोकसभा विषय रे लिखा जाय छी। एवं 171 आर्टिकल रे विधान परिषद बा लेजिस्लेटिव काउंसिल विषय रे लिखा जाय छी। तेणु यार सटीक आंसर होची 170 आर्टिकल रे आम कॉन्स्टिट्यूशन रो लेजिस्लेटिव असेंबली बा विधानसभा विषय रे लिखा जाय छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स ऑफ विधानसभा इज। विधानसभा रे मैक्सिमम केते जण मेंबर्स होई पारिबे अर्थात केते जण MLA होई पारिबे। विधानसभा रे मेंबर्स मानको MLA कहा जे एवं केते जण मैक्सिमम MLA होई पारिबे। यार सटीक आंसर होची 500 मैक्सिमम MLA होई पारिबे। एवं मिनिमम जदि पचारा जाय ताहेले 60 जण मिनिमम होई पारिबे MLA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। हमर राज्यर गवर्नर को किए अपॉइंट करितांती। यार सटीक आंसर होची प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आमर प्रेसिडेंट अपॉइंट करितांती। आम देशर प्रेसिडेंट अपॉइंट करितांती राज्यर गवर्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स ऑफ विधानसभा इज। हम विधानसभा रो मेंबर्स मिनिमम होची 60 जण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। आमर राज्यर लोअर हाउस क्या कहा जाए आम स्टेट लेजिस्लेचर रो। यार सठिक आंसर होची लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को कहा जाए लोअर हाउस कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विधानसभा। आमर विधानसभा को कौन कहा जाए। विधानसभा कहा जाए बा विधानसभा कहा जाए लोअर हाउस कहा जाए। लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाए टेम्परेरी हाउस कहा जाए। तेणु यार सठिक आंसर हे ये समस्त कहा जाए विधानसभा को। एवं विधान परिषद को कौन कहा जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाए। एवं अपर हाउस कहा जाए। एवं परमानेंट हाउस मध्य कहा जाए विधान परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच असेंबली ऑफ द स्टेट मनी बिल आर प्रपोज। आमर राज्यर को जगार मनी बिल प्रपोज करा जाए थे। यार सटीक आंसर होची लेजिस्लेटिव असेंबली रे। लेजिस्लेटिव असेंबली रे मनी बिल को प्रपोज करा जाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट इज द क्वोरम रिक्वायर्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर टू होल्ड ए मीटिंग। क्वोरम केते अटे आमर स्टेट लेजिस्लेचर रे। क्वोरम माने कोन केते जण मिनिमम मेंबर्स होई पारिले आमर स्टेट लेजिस्लेचर चली थाए ताहा कहा जाए क्वोरम कहा जाए। केते जण मिनिमम मेंबर्स हेले आमर स्टेट लेजिस्लेचर चली थाए ताहा क्वोरम कहा जाए।
ଏବଂ ଏହି ମିନିମମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ କେତେ ଜଣ ହେବା କଥା ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର୍ସରୁ ଯେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର୍ସ ଆମର ଥିବେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ରେ ତାଠାରୁ 1/10 ମେମ୍ବର ହେଲେ ତାହା ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୋରମ୍ ହେଉଛି 1/10। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ହାଉସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଜଲ୍ଭ, କେଉଁ ହାଉସ୍ଟି ଡିଜଲ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ହାଉସ୍ଟି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବ୍ଲି। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଏଠି ଡିଜଲ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏବଂ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 403 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ୍ରେ 100 ଜଣ ଏମ୍ଏଲ୍ସି ଅଛନ୍ତି, 100 ଜଣ ଏମ୍ଏଲ୍ସି ଏବଂ 403 ଜଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଧାନସଭାରେ 403 ଜଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏବଂ ବିଧାନ ପରିଷଦରେ 100 ଜଣ ଏମ୍ଏଲ୍ସି ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଡିଜଲ୍ଭ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ଡିଜଲ୍ଭ ବିଷୟରେ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ବିଷୟରେ ଆମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 174 ଆର୍ଟିକଲ୍, ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ, 174 ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଟପିକ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍, ଆମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 168 212 168 212 ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍, ଦ୍ୱିସଦନୀୟ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ, ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି। ଏବଂ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି KUMBAT କୁମ୍ବତ୍, କୁମ୍ବତ୍ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। 6 ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ରାଜ୍ୟ ବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ୍ ଅଛି, କେରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକା, ୟୁରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଏମ୍ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିରେ ବିହାର, ଏରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଟିରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଏହି 6 ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଡିପ୍ୟୁଟି ସ୍ପିକର୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହିଜ୍ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର୍ ଟୁ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ଡିପ୍ୟୁଟି ସ୍ପିକର୍ ତାଙ୍କର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ସେ କାହାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସ୍ପିକର୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ସ୍ପିକର୍କୁ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର୍। ହୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଇଲେକ୍ସନ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥାଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି କ୍ୟାନ୍ ବି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅପ୍ ଟୁ, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଥାଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହାର ପାୱାର ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଠାରେ ଅଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ବିଲ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ବାଏ, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ରେ ଆମର ମନି ବିଲ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ମନି ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ର ମନି ବିଲ୍ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର, 199 ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ର ମନି ବିଲ୍ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଏହି ମନି ବିଲ୍କୁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ର ସ୍ପିକର୍ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକସଭାରେ 110 ଆର୍ଟିକଲ୍ ବିଷୟରେ ମନି ବିଲ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର୍ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ମନି ବିଲ୍କୁ 110 ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 149 ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅନୁସାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଟେନିୟର୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ବିଧାନସଭା ଇଜ୍ ଫର୍ ହାଉ ମେନି ଇୟର୍ସ, ବିଧାନସଭାର ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ସମୟ ଅଟେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି
पांच वर्ष विधानसभा मेंबर्स मानकर कार्यकाल होची पांच वर्ष लोकसभा मेंबर्स मानकर कार्यकाल होची पांच वर्ष राज्यसभा मेंबर्स मानकर कार्यकाल होची छ वर्ष विधान परिषद मेंबर्स मानकर कार्यकाल होची छ वर्ष तेणु यार सठिक आंसर होची पांच वर्ष होची विधानसभा मेंबर्स मानकर कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सरेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन लेटर टू। स्पीकर क्या रेजिग्नेशन दे था लेजिस्लेटिव असेंबली रो स्पीकर क्या रेजिग्नेशन दे था डिप्टी स्पीकर को दे था डिप्टी स्पीकर को दे था लेजिस्लेटिव असेंबली रो डिप्टी स्पीकर को स्पीकर दे था लेजिस्लेटिव असेंबली रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आमर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे केते जण एंग्लो इंडियन मेंबर्स को किए अपॉइंट करथांते गवर्नर अपॉइंट करथांते स्टेट रे यार सटिक आंसर होची वन मेंबर्स जणे मेंबर्स को से अपॉइंट करथांते गवर्नर अपॉइंट करथांते जणे एंग्लो इंडियन मेंबर्स को एवं यह आम कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल लिखा छि 333 आर्टिकल लिखा छि 333 आर्टिकल लिखा छि कि गवर्नर पाखरे पावर छि से अपॉइंट कर परबे स्टेट लेजिस्लेचर रे जणे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु डिसाइड द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली रो सैलरी विषय रे के डिसाइड करथांती यार सटिक आंसर हो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु एमंग द फॉलोइंग इन द स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड व्हेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट। आमर मनी बिल विषय आमर राज्य किए डिसाइड कर मनी बिल विषय यार सटिक आंसर हो स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आमर लेजिस्लेटिव असेंबली जे स्पीकर था से 169 आर्टिकल अनुसार 199 आर्टिकल अनुसार पाखे पावर अच्छे से डिसाइड कर मनी बिल विषय एवं 110 आर्टिकल अनुसार लोकसभा स्पीकर पाखे पावर अच्छे से डिसाइड कर मनी बिल विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द टॉपिक ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। म को आर्टिकल स्टेट लेजिस्लेचर विषय लिखा है 168। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द डिजॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। आमर लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग करा जाए ता विषय आम को आर्टिकल रे लिखा है 174 174 आर्टिकल रे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच इज द स्मॉलेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया। आम इंडिया स्मॉलेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली कौटा अटे यार सटिक आंसर ऑप्शन अनुसार यार सटिक आंसर हो गोआ एवं गोआ हूँ स्मॉलेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली आम देशर यह ऑप्शन अनुसार यार सटिक आंसर हे गोआ एवं गोआ में मैक्सिमम केते जण मेंबर्स अच्छा एमएलए केते जण अच्छा 40 जण जदि एटारे पुडुचेरी था यार सटिक आंसर हाँ पुडुचेरी आम इंडिया सबुठ स्मॉलेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली हूँ पुडुचेरी एवं सेठे 30 जन एमएलए अच्छा यह गोटे यूटी अटे पुडुचेरी हूँ यूटी अटे एवं जदि स्टेट मध्य कह गोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एवं मैक्सिमम कोठार अच्छी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ। आम कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार आम स्टेट लेजिस्लेचर कहा कहा को नहीं गठित अटे लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल एवं गवर्नर को नहीं आम स्टेट लेजिस्लेचर गठित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव सेम नंबर ऑफ विधानसभा सीट। आमर कौ दुईट राज्य विधानसभा सीट सेम अच्छे एमएलए संख्या सेम अटे यार सटिक आंसर हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ हरियाणा एवं छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच यूनियन टेरिटरी हैज इट्स ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। को दुईट यूनियन टेरिटरी रे तांकर निजर लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी यार सटिक आंसर हे दिल्ली एवं पंडिचेरी एवं पंडिचेरी रे होची एमएलए संख्या 30 जण एवं दिल्ली रे केते जण अछंति ताहा आपण कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली।
जन व्यक्ति स्टेट लेजिस्लेटिव एसेंबली रो मेंबर सेवा पई बा एमएलए हेबा पई केते मिनिमम वर्ष हेबा कथा यार सटीक आंसर होची 25 वर्ष 25 वर्ष हेले जन व्यक्ति एमएलए हे पारिबो बा लेजिस्लेटिव एसेंबली रो मेंबर से पारिबो एवं लोकसभा रो मेंबर सेले मध्य लोकसभा मेंबर से मध्य 25 वर्ष हेले लोकसभा मेंबर से पारिबो जने प्रधानमंत्री पारिबो 25 वर्ष मध्य रे एवं जने चीफ मिनिस्टर हे पारिबो 25 वर्ष मध्य रे 18 वर्ष हेले जने व्यक्ति वोट दे पारिबो 21 वर्ष हेले जने व्यक्ति पंचायत रो इलेक्शन लड़ी पारिबो एवं एही वोट देबा को कोन कहजे एडल्ट फ्रेंचाइज कहजे 30 वर्ष हेले जने व्यक्ति कोन करि पारिबो राज्यसभा रो मेंबर से पारिबो विधान परिषद रो मेंबर से पारिबो 35 वर्ष हेले जने व्यक्ति गवर्नर हे पारिबो वाइस प्रेसिडेंट हे पारिबो प्रेसिडेंट हे पारिबो एवं 14 वर्ष हेले जने व्यक्ति फैक्ट्री रे कार्य करि पारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ह्वाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया जन व्यक्ति गवर्नर होगापी स्टेट राज्यर गवर्नर होगापी के वर्ष हेले से गवर्नर हो पार 35 वर्ष यार सठिक आंसर होती 35 वर्ष 35 वर्ष हेले जन व्यक्ति गवर्नर हो पार वाइस प्रेसिडेंट हो पार प्रेसिडेंट हो पार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ह्वाट मस्ट बी द मिनिमम गैप इन द टू सेसन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर दुईटी सेसन मध्य केते मिनिमम गैप हेबा कथा बा अधिक न हेबा कथा 6 मंथ रो यार सटीक आंसर हेबा डी हेबा 6 मंथ। लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट एज सेम एज लाइक डेस इन सेंटर आमर लेजिस्लेटिव असेंबली अछि आमर राज्य रे सेमिति आमर सेंटर रे कहा सहित समान अटे ता लोकसभा सहित समान अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हाउ मेनी इंडियन स्टेट हेबे बाई कैमरा लेजिस्लेचर केतेटी इंडियन स्टेट रे बाई कैमरा लेजिस्लेचर अच्छी बा द्वि सदनीय अच्छी 6 यहाँ को मन रखार ठीक होची के यू एम बी ए टी कुंभत 6 कर्णाटका उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। प्रोटम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय होम प्रोटम स्पीकर को किए अपॉइंट करथंती यार सटीक आंसर होची प्रेसिडेंट हेबो यार सटीक आंसर प्रेसिडेंट हेबो आमर प्रेसिडेंट हेबो आमर सेंटर रे प्रेसिडेंट एवं आमर राज्य रे गवर्नर करथंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द पावर टू क्रिएट और एबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट इज वेस्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कहा पाखरे पावर अछि कि लेजिस्लेटिव काउंसिल तयार करि परिबो कहा पाखरे अधिकार अछि कि लेजिस्लेटिव काउंसिल तयार करि परिबो पार्लियामेंट पाखरे अधिकार अछि एवं एही पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा एवं प्रेसिडेंट को नहीं गठित लोकसभा राज्यसभा एवं प्रेसिडेंट को नहीं पार्लियामेंट गठित एवं पार्लियामेंट रे पावर अछि कि से लेजिस्लेटिव काउंसिल तयार करि परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा विधानसभा इलेक्शन आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ हमारे विधानसभा रो इलेक्शन किपर होइते एमएलए मानकर इलेक्शन यार सटीक आंसर होची 18 वर्षर ऊर्ध बालक माने देथांती बा एडल्ट फ्रेंचाइज 18 वर्षर ऊर्ध बालक माने देथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा प्रेजेंटली हाउ मेनी इंडियन स्टेट हैव ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर लोअर हाउस कहा को आजे स्टेट लेजिस्लेचर रो विधानसभा यार सटीक आंसर हो विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर कहा द्वारा अपॉइंट होतांती यार सटीक आंसर होची गवर्नर से गवर्नर को द्वारा अपॉइंट होतांती। सीएम ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर अंडर व्हिच आर्टिकल चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होतांती गवर्नर को द्वारा एवं को आर्टिकल रे हम कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखा है से अपॉइंट हेबे बोली गवर्नर को द्वारा 164 आर्टिकल रे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फ्रेंड्स आपण जदि वीडियो को लाइक करना ताले लाइक मध्य करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ताले चैनल को सब्सक्राइब मध्य करंतु एवं आपण जदि अन्य समस्त क्लास देखिना एहि बोली आपण हिस्ट्री रो ज्योग्राफी रो आपण रीजनिंग रो एवं अन्य समस्त आपण प्लेलिस्ट को जाई आपण अन्य समस्त क्लास को देखि पारिबे लोकसभा करा जिछि राज्यसभा करा जिछि विधान परिषद रो मध्य एहि बोली एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कशन करा जिछि आपण प्लेलिस्ट को जाई देखि पारिबे। तेनु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
मिनिमम नंबर ऑफ सेशन रिक्वायर्ड इन ए ईयर फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली केतेटी मिनिमम सेशन हेबा कथा यार सठिक आंसर हो मिनिमम दुईटी हेबा कथा एवं ताहा मध्यरे सिक्स मंथ रो अधिक गैप न हेबा कथा हु एमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर्स मान को किए शपथ पाठ करथांती बा एमएलए मान को किए शपथ देथांती गवर्नर से राज्यर गवर्नर देथांती बा से बा प्रोटम स्पीकर देथांती गवर्नर नहले प्रोटम स्पीकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मेंबर ऑफ विधानसभा गिफ्ट रेजिग्नेशन लेटर टू विधानसभा रो मेंबर्स माने कहा को तांकर रेजिग्नेशन देथांती स्पीकर को देथांती लेजिस्लेटिव असेंबली रो स्पीकर को देथांती नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु इज द करंट गवर्नर ऑफ ओडिशा ओडिशा रो वर्तमान गवर्नर के अछंती यार सटीक आंसर होची गणेशी लाल अछंती वर्तमान गवर्नर हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ओडिशा लेजिस्लेटिव काउंसिल ओडिशा रो लेजिस्लेटिव काउंसिल रे केते जण मेंबर्स अछंती 147 ना 10 ना 21 ना नन ऑफ द अबव यार सटीक आंसर होची नन ऑफ द अबव ओडिशा रे लेजिस्लेटिव काउंसिल ही नाही हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली ओडिशा रो लेजिस्लेटिव असेंबली रे 147 जन यार सटीक आंसर हेबो 147 जन मेंबर्स अछंती नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गवर्नर ऑफ स्टेट कैन इशू ऑर्डिनेंस अंडर को आर्टिकल अनुसार राज्यर गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी कर पारे अध्यादेश 213 यार सटीक आंसर होची 213 हेबो यार सटीक आंसर 213 आर्टिकल अनुसार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे द स्मॉलेस्ट विधानसभा इन इंडिया इज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए इज यार सटीक आंसर आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु स्मॉलेस्ट विधानसभा सीट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए कोठारे कम अछंती आम इंडिया रो यार आंसर आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु एवं आपण अन्य समस्त क्लास को देखिनांती ताहले आपण आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जे अन्य समस्त क्लास को देखि पारिबे एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करिनांती ताहले सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को लाइक करिनांती ताहले लाइक करंतु तेनु थैंक यू।